अस्सलाम वालेकुम एंड क्या हाल चाल है सभी का। वेलकम बैक हो गया एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। जैसे कि टाइटल और थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ लोगों का ना हार्डवेयर, अंडरवेयर, सॉफ्टवेयर सारा कुछ अपडेट कर देंगे। इससे पहले आप लोग ये वाला क्लच यस करो। इनके लास्ट बंदे के पास अटर वाई वाली किट होती है, तो यहाँ पर इनको फिनिश करवाते हैं। अभी ये वाला क्लच देखोगे आप लोग टोटली यस हो जाओगे। बस आप लोग सीन देखो, एनमी एंड भी अप्रिशिएट भी करते हैं मुझे। तो यहाँ पर इनको भी मैं थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करता हूँ यार, काफी अच्छी गेम थी भाई लोगों की। तो यहाँ पर इनको फिनिश करवाते हैं लगे हाथ और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लच की तरफ। बेसिकली यहाँ पर ना रिवेंज वाला सीन होने लगा, इवेंट वाला सीन होता है। यहाँ पर मैं आता और मेरे अलावा एक डुओ बचा होता है, तो यहाँ पर ना मजे लेता लेता इनका एक टीममेट यहाँ पर मैं नॉक कर लेता हूँ। लगे हाथ इसका दूसरा टीममेट पुश करता है, यहाँ पर ना मेरे हाथ से मेरी जॉयस्टिक निकल जाती है। तो यहाँ पर ये बंदा ना इजिली मुझे नॉक करता है। नॉक कराने के बाद ये लोग यहाँ पर ना मुझे फिस्ट करते हैं। तो टेंशन नहीं लेनी भाई साहब, आगे जाके इनसे रिवेंज भी लेंगे। उससे पहले ना यहाँ पर मैं लैंड हो जाता हूँ मिड स्टेन के अंदर। तो भाई यहाँ पर ना सीन ये होता है कि इस घर के अंदर होते हैं बाबा जी पूरे के पूरे चार बंदे, और ये लोग ना काफी सही गेम खेल रहे होते हैं। यहाँ पर आते सारे ना मुझे एक एके मिल जाती है, और साथ में मुझे एक लेवल 3 की वेस्ट मिल जाती है, और मेरा टीममेट भी यहाँ पर हो जाता है नो। तो मैं कहता हूँ आप लोग ना बस क्लच यस करो जल्दी से। भाई साहब इस वन वी फोर के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। इसके फौरन बाद ना यहाँ पर एक सोलो बंदा आता है, जो उन्हीं बंदों का टीममेट होता है जिन्होंने मुझे इवेंट के ऊपर फिस्ट करवाई होती है। तो लगे हाथ मैं इस बंदे पे एक मोली फेंकता हूँ, जिससे यह बंदा लगे हाथ नोक और फिनिश भी हो जाता है। लूट शूट करने के लिए जैसे जाता हूँ ना, बाकी इसके टीममेट मेरे ऊपर पुश करवाते हैं। जरा सीन देखो, तो इसी के साथ ये दोनों बंदे यहाँ पर मेरे काबू आ जाते हैं। तो इनको यहाँ पर मैं करवाता हूँ तवे, आगे से भाई साहब ये किसी को फिस्ट करवाने जोगे नहीं रहेंगे। तो खैर लगे आ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लच की तरफ। तो यहाँ पर ना पचिंगी के अंदर मैं सामने एक तो बोर्ड नजर आते हैं, उनको टैप टैप करके ना फिनिश करवाता हूँ। इतनी देर में ना मेरे ऊपर एक स्क्वाड का पुश आ जाता है। इनको तो मैं ऐसे हंसी हंसी में मार दूंगा ना, आप लोगों को यकीन भी नहीं आएगा। तो भाई साहब यहाँ पे हमारा क्लच कंप्लीट हो चुका है। इनका जो सामने वाला बंदा होता है ना, सिर्फ उसके पास आर्टर वाई वाली किट होती है, इस वजह से ये लोग फिनिश नहीं होते। जाके इसको जैसे ही फिनिश करवाता हूँ, ये स्क्वाड भी यहाँ पर हो जाती है डेड। हमारा क्लच भी इसी के साथ यहाँ पर कंप्लीट होता है। लगे हाथ चलते हैं हमारे अगले क्लच की तरफ, जो की होने लगा है मेल्टा के अंदर। वो साइड में क्लिप मैसेज आप लोग देख ही सकते हो, इनके साथ होने लगी है मेरी फाइट। मेरे पास भी AWM होती है, उनके पास होती है AMR। यहाँ पर ना दोनों साइड से स्नाइपिंग वाला सीन चल रहा होता है। एक दो बंदे इनके मैं डाउन कर देता हूँ यहाँ पर, गुस्से में आकर ना ये लोग मेरे पर पुश करवा देते हैं। यहाँ
यहाँ पर भी सेम सीन होता है, इनके थर्ड टीममेट के पास होती है ऑटो रिवाइवल वाली किट, तो यहाँ पर जैसे जाके इसको मैं फिनिश करवाता हूँ, ये स्क्वाड भी यहाँ पर हो जाती है डेड। अभी जो स्क्वाड ना लेफ्ट वाली साइड पर बचा होता है, तो अब उनके साथ यहाँ पर मेरी फाइट होने लगी है। जेट पैक मार के मैं जैसे जोन में आता हूँ, यहाँ पर वो स्क्वाड मुझे मिल जाती है। यहाँ पर भी सेम सीन होता है भाई, इनके लास्ट टीम के पास होती है अटर वाई वाली किट, जैसे इसको फिनिश करता हूँ ये स्क्वाड भी यहाँ पर हो जाती है डेड। टाइम्स ये आके अब घर चलते हैं हमारे नेक्स्ट रिवेंज की तरफ। यहाँ पर भी सेम भाई रिवेंज वाला सीन होने लगा है, मैं इवेंट के ऊपर फिर आता हूँ और यहाँ पर ना इवेंट के ऊपर बची होती है बाबा जी एक पूरी स्क्वाड, जो कि ना मेरे पर रश कर रही है इस टाइम। भाई साहब आप लोगों ने इनकी गेम देख ही लिया कैसे प्लेयर होते हैं ये लोग। अभी इसके बाद ना रिकॉल होकर मैं आ जाता हूँ पचिंकी के अंदर और ये लोग ना आ जाते हैं सीधा पचिंकी के अंदर। यहाँ पर अगेन से भाई 1v4 का सीन बन जाता है, क्लच यस करो आप लोग बस। भाई साहब यहाँ पर क्या ही हैवी प्लेयर होते हैं ये लोग। खैर काश काल होकर ना ये लोग वापस आते हैं अपना रिवेंज लेने के लिए, पर गेम से 1v3 वाला सीन बन जाता है। आप लोग क्लच यस करो बस। तो मौके के ऊपर ही यहाँ पर इनके मैं दो बंदे नोक और लगे हाथ फिनिश भी करवा देता हूँ। तीसरा बंदा इनका सामने वाले घर में होता है, इसके ऊपर रश करने के लिए जाता हूँ, यहाँ पर मुझे साइड से सरप्राइज मिल जाता है, यानी कि साइड के ऊपर भी एक लैदर स्क्वाड आ चुकी है। पहले ना आप लोग मेरा 1v1 देखो उनके लास्ट टीममेट के साथ। बाकी ना यहाँ पर ये स्क्वाड भी हो जाती है डेड। अभी एक सिर्फ लास्ट 1v3 बचा हुआ है, आप लोगों को क्लच यस करो। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक लाजमी कर देना और चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब भी कर देना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।